जब मैं पहले आई थी तो छोटे छोटे गली थे और बहुत लंबा चल के हम पहुंचे थे मंदिर। उस टाइम हम बस में आरती में गए थे 4 बजे सुबह, पर उस टाइम भी बहुत ज़्यादा हिड़ना टहल के जाना पड़ा था। अब तो इतना अच्छा बना लिया और सभी जितने भी बिल्डिंग्स है वो बहुत भव्य लग रहा है वहाँ पे, और पूरा गैंजीस जो हम गंगा माता को वहीं से दर्शन करना मिलता है वो बहुत ही अच्छा लगा। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी 3 दिवसीय भारतीय दौरे पर आए हैं। दौरे के आखिरी दिन दोनों उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचे, जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। वाराणसी में नेपाल के पीएम ने कई मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम और उनकी पत्नी ने सीएम योगी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नेपाल के प्रधानमंत्री का स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, जहां से सभी सड़क मार्ग से होते हुए काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान मंदिर के महंत ने बताया कि सरकार के इस कदम से नेपाल और भारत के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे, साथ ही कभी हिंदू राष्ट्र नेपाल की तर्ज पर भारत भी हिंदू राष्ट्र बनेगा। भारत आज जिस तरह विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है और भारत आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बने, ये मनोकामना के साथ हम लोगों ने आज पूजा कराया। और नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र फिन हो, ये कामना हम लोगों ने किया। वहीं स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह नजर आया। चलिए आप खुद सुनिए कि क्या बोले स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता। हमारे देश के अति प्राचीन मित्र, जिनसे मैत्री हमारी आज कालांतर से चलती आ रही है, ऐसे नेपाल राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउबा जी का काशी में आगमन हो रहा है और हम सब अपने मित्र का जिस प्रकार से स्वागत करते हैं, मित्र राष्ट्र का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार से आज हम लोग यहाँ पर दोनों देश का झंडा लेके और पुष्प वर्षा करके माननीय प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउबा जी का स्वागत एवं अभिनंदन कर रहे हैं। साथ ही पीएम की पत्नी भी वाराणसी आकर बेहद खुश नजर आईं। उनका कहना था कि वो 5 साल बाद वाराणसी आई हैं और 5 साल में काफी ज्यादा बदलाव उनको यहाँ नजर आ रहा है। उनका तो यहाँ तक कहना है कि पहले की काशी और अब की काशी में जमीन आसमान का अंतर है। जब मैं पहले आई थी तो छोटे छोटे गली थे और बहुत लंबा चल के हम पहुंचे थे मंदिर। उस टाइम हम बस में आरती में गए थे 4 बजे सुबह, पर उस टाइम भी बहुत ज़्यादा हिड़ना टहल के जाना पड़ा था। अब तो इतना अच्छा बना लिया और सभी जितने भी बिल्डिंग्स है वो बहुत भव्य लग रहा है वहाँ पे, और पूरा गैंजीस जो हम गंगा माता को वहीं से दर्शन करना मिलता है वो बहुत ही अच्छा लगा। नेपाल के पीएम, उनकी पत्नी और योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर में दर्शन के बाद काशी विश्वनाथ के लिए निकल पड़े। इस दौरान काशी विश्वनाथ के मेन गेट पर उनके स्वागत के लिए रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। आप देख सकते हैं कि नेपाल के पीएम और उनकी पत्नी के लिए कितना भव्य तरीके से आयोजन किया गया था। कार्यक्रम करने वालों में भी कितना उत्साह था वो भी आपको नजर ही आ रहा होगा। फिलहाल जिस भव्य तरीके से नेपाल के पीएम और उनकी पत्नी का स्वागत किया गया है वो बताने के लिए काफी है कि क्यों भारत में अतिथि देवो भव कहा जाता है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।